है महादेव की कृपा और आपके पूरे परिवार पर सदा सर्वदा बनी रहे। दोस्तों आज के वीडियो एक बहुत ही रिक्वेस्टेड वीडियो है। 14 अक्टूबर 2023 को लगने वाले महासूर्य ग्रहण के बाद 6 राशि वालों की किस्मत इस प्रकार से बदलने जा रही है, जिसके बाद न केवल अब इनके जीवन में होगी धन की वर्षा बल्कि अब इनको करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, 14 अक्टूबर 2023 को साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। और आपकी जानकारी के लिए बता दे, जो सूर्य ग्रहण होता है वो चंद्र ग्रहण से 10 गुना ज्यादा प्रभावशाली होता है। 14 अक्टूबर 2023 को लगने वाला सूर्य ग्रहण कोई मामूली सा सूर्य ग्रहण नहीं होगा बल्कि ये एक महासूर्य ग्रहण होगा। इसीलिए इस ग्रहण का बेसब्री से पूरी दुनिया के ज्योतिषी नहीं वैज्ञानिक भी इंतजार कर रहे हैं। 14 अक्टूबर 2023 को लगने वाले सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन ही इसका प्रभाव आपके नाम के पहले अक्षर और आपके ऊपर जरूर पड़ेगा, क्योंकि जब भी सूर्य ग्रहण लगता है तो उस वक्त सूर्य ग्रहण का गोचर होता है, जिसका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ता है। लेकिन इस बार 12 में से ऐसी 6 खुशनसीब राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, क्योंकि जैसे ही सूर्य ग्रहण लगेगा सूर्य देव जी की कृपा 6 राशि वालों को इस प्रकार से मिलने हैं, जिसके बाद इन 6 राशि वालों के जीवन में इनको धन, सुख, वैभव, ऐश्वर्य की तो प्राप्ति होगी ही होगी। इनके जीवन में यह बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। इस सूर्य ग्रहण के बाद ये 6 खुशनसीब राशि वाले अपने जीवन में जिस कार्य को भी शुरू करेंगे उस कार्य में इनको सफलता प्राप्त होगी। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण एक अशुभ घटना होती है। जब भी सूर्य ग्रहण लगता है धरती से जुड़ी हुई आपदाएं और परेशानियां आती है, और जब भी चंद्र ग्रहण लगता है तो समुद्र में उथल पुथल होने लगती है, कई देशों में बाढ़ जैसे हालात और आपदाएं आ जाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, ग्रहण के सूतक काल के दौरान आप लोगों को कुछ ऐसी गलतियां हैं जो भूलकर भी नहीं करनी चाहिए, और अगर आप जाने अनजाने सूर्य ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसी गलतियां करते हैं जिसके बारे में हमारे वेद पुराणों में सख्त मनाई है, तो इससे आपके ऊपर कई प्रकार के दोष लग सकते हैं, जिसके बाद आपके जीवन में कई प्रकार की परेशानियों का आपको सामना करना पड़ सकता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इस बार का सूर्य ग्रहण कितने बजे शुरू होगा, कितने बजे खत्म होगा, सूर्य ग्रहण का सूतक काल कितने घंटे का होगा, और सूर्य ग्रहण के दौरान वो कौन से आप छोटे छोटे से कर सकते हैं, जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्त पर विधि विधान से इस बार कर लिया तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, फिर आपके जीवन में आपको उन्नति करने से कोई नहीं रोक पाएगा। फिर हम आपको बताएंगे कि हमारे शास्त्रों में सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान किन चीजों को करने की सख्त मनाही है, जिसको आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। फिर हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो कौन सी ऐसी 6 भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक अंत तक बिना भगाए देखिएगा, और अगर आप भी चाहते हैं कि भगवान सूर्य देव जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बनी रहे, भगवान सूर्य देव जी के आशीर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करें, बहुत ही आगे जाएं, तो दोस्तों को पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जाकर के लिख दीजिए जय सूर्य देव जी की। देखिए दोस्तों, आपको बता दें साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण इस बार 14 अक्टूबर 2023 का जो सूर्य अमावस्या के साथ शुरू होगा दिखाई देगा, अश्विन अमावस्या के साथ, लेकिन इस बार का जो है वो लगने जा रहा है इस तरीके से कि ऐसा समय आया है पूरे 412 वर्षों बाद। बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने दोस्तों, 412 वर्षों बाद एक ऐसा अद्भुत संयोग बन रहा है कि सूर्य ग्रहण का जो समय होगा वो अश्विन अमावस्या के साथ शुरू होकर के अश्विनी अमावस्या के साथ खत्म होगा। और अगर आप लोग अश्विनी अमावस्या के बारे में नहीं जानते हैं तो ये वही अमावस्या है जिस दिन माता लक्ष्मी जी धरती पर वास करने आती है और उल्लू को वाहन के रूप में लेकर के पूरी धरती का भ्रमण करती है। और अगर इस दौरान आप तंत्र शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र के बताए हुए उपाय कर लेते हैं जो आपको हम इस वीडियो में बताने जा रहे हैं,
तो न केवल आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, बल्कि माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी और फिर आपको धन की कमी कभी भी नहीं होगी। तो दोस्तों आपको बता दें, साल का अंतिम और महासूर्य ग्रहण 14 अक्टूबर 2023 को रात्रि 8:34 से शुरू होगा। इसका जो समापन होगा वो आधी रात को 2:25 पर होगा। सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल होगा वो 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा। हिंदू पंचांग के अनुसार सूर्य ग्रहण उसका जो सूतक काल होगा वो 14 अक्टूबर की सुबह 8:31 से शुरू हो जाएगा। आपको बता दूं दोस्तों, वेद पुराण के अनुसार सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कुछ ऐसे उपाय हैं जो अगर आप कर लेते हैं तो न केवल आपके जीवन में आपको एक चमत्कारी और सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा, बल्कि इन उपायों को करने के बाद आपको साक्षात माता लक्ष्मी जी का वरदान और आशीर्वाद मिल सकता है। और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान आपको कुछ ऐसी गलतियाँ हैं जो भूल कर भी आपको नहीं करनी चाहिए, वरना माता लक्ष्मी जी तो आपसे रुष्ट होंगी ही होंगी। आपके जीवन में कई प्रकार के दोषों का आपको सामना करना पड़ सकता है और इस वीडियो में हम आपको जानकारी एक एक करके बताने जा रहे हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले तो हम आपको ये बता देते हैं, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान और सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपको माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा और आपका भाग्य उदय हो जाएगा। देखिए, सबसे पहला उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं वो एक ऐसा उपाय जिसको अगर आप कर लिए तो मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा होगी। देखिए, हम आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुके हैं, सूर्य ग्रहण का सूतक काल 14 अक्टूबर को 8:31 से शुरू हो जाएगा। इस अगर आप 11 रोटी बना करके किसी भी गाय को खिला देते हैं तो आपको 33 कोटि देवी देवताओं के साथ माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद मिलेगा, क्योंकि गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का तो वास होता ही होता है। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है। तो सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद 11 रोटी किसी भी गाय को खिला दीजिएगा। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल शुरू हो जाता है और आपके घर पर कोई भी भिक्षुक आता है तो उसको 11 रुपए 21 रुपए 51 रुपए अपनी श्रद्धानुसार दे दीजिएगा। माना जाता है कि सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान कोई भी दान किया जाए, इससे आपके ऊपर कोई दोष होता है वो दोष आपके ऊपर से पूरी तरह से घट जाता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण जो होगा दोस्तों वो 14 अक्टूबर की रात्रि को 2:25 पर खत्म होगा। तो आपको बस इस बात का ध्यान रखना है कि सूर्य ग्रहण के दूसरे दिन मतलब 15 अक्टूबर 2023 की सुबह उठने के बाद आपको पूरे घर पर पोछा लगाना है और पोछे वाले पानी में काला नमक डाल दीजिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपके घर की नकारात्मक शक्तियां का नाश हो जाएगा और आपके घर पर सकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाएगा। चौथा माना गया है, हमारे शास्त्रों में दोस्तों की अगर सूर्य ग्रहण के दूसरे मतलब 15 अक्टूबर को आप लोग शिव मंदिर जाकर के शिवालय पर एक लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ा दें तो इससे आपका भाग्य उदय हो जाता है और भगवान भोलेनाथ का आपका हमने आपको वीडियो में बताया कि शास्त्रों के अनुसार सूर्य ग्रहण के दौरान अब वो कौन से छोटे छोटे से उपाय कर सकते हैं जिससे आपका भाग्य भी आपका साथ देगा और आपके जीवन की हर परेशानी खत्म हो जाएगी। अब आपको हम बताएंगे कि सूर्य ग्रहण वाले दिन और सूर्य ग्रहण के सूतक काल के दौरान वो कौन सी ऐसी गलतियां हैं जो आपको भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। चलिए आपको एक एक करके सारे बातों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन था, अभी तक आपने वीडियो नहीं किया है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए। देखिए दोस्तों, सूर्य ग्रहण का जो सूतक काल है वो 8:31 से शुरू हो जाएगा, तो आपको इस बात का ध्यान रखना होगा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद किसी भी मूर्ति को ना छुए ना पूजा पाठ करें। दूसरा, जैसे ही सूर्य ग्रहण का सूतक काल 8:31 से शुरू होता है, इस दौरान किसी भी वृक्ष उसको मत छुएगा ना किसी पत्ती को तोड़िएगा। इससे माना जाता है कि आपके जीवन में दुख आ सकता है। तीसरा, सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद आपको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा कि आप अपने और जीवन के साथी के साथ कोई भी शारीरिक संबंध न बनाएं
और आपके घर की जो महिलाएं हैं, कन्याएं हैं, उनको इस बात का विशेष करके ध्यान रखना होगा। सूर्य ग्रहण के सूतक काल के बाद वो तेल का इस्तेमाल बिल्कुल ना करें और कंघी का इस्तेमाल ना करें। बस इन चीजों का आप लोगों को ध्यान रखना है और इन चीजों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो मान के चलिए इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आपको कोई भी देखने को नहीं मिलेगा। आपको किसी भी प्रकार के दोष का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब वो कौन सी ऐसी भाग्यशाली राशियां हैं जिनका जीवन इस सूर्य ग्रहण के बाद पूरी तरह से बदलने जा रहा है, चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। देखिए, सबसे पहली राशि है मेष राशि। मेष राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि सूर्य ग्रहण के बाद का समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा साबित होगा। न केवल आपका विश्वास आपके काम के प्रति बढ़ेगा बल्कि आपके कारोबार में काफी ज्यादा वृद्धि देखने को आपको मिलेगी। आपके जीवन साथी के माध्यम से बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। जिस नौकरी की आप तैयारी कर करके थक चुके थे, आपकी नौकरी लग जाएगी और आपके जीवन में धन आने के कई प्रकार के रास्ते खोल रहे हैं। दूसरी जो खुशनसीब राशि है दोस्तों, वो है सिंह राशि। सिंह राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है, कोटक चेरी में जो आपके मामले चल रहे थे उसमें आपको जीत हासिल हो जाएगी। धन कर्म में रुचि बढ़ेगी। आपका मार्केट में अटका हुआ पैसा आपको वापस मिल जाएगा। आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे, बहुत ही आगे जाएंगे। सूर्य देव जी के आपका राहु केतु आपका साथ देना शुरू कर देगा और आप जिस कार्य को शुरू करेंगे उस कार्य में आपको सफलता प्राप्त होगी। तीसरी खुशनसीब राशि है कन्या राशि। कन्या राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है कि आपके जीवन में बड़े धन सहयोग बन रहे हैं। विदेशी यात्रा पर जाने के भी योग बन रहे हैं। अटका हुआ पैसा वापस मिल जाएगा। आप कोर्ट कचहरी में जीत हासिल करेंगे। आपके विरोधी, आपके दुश्मन आपके सामने घुटने टेक देंगे। राजनीतिक लाभ होगा। व्यापार में भी सफलता देखने को मिलेगी। समाज में मान सम्मान में वृद्धि होगी और सूर्य दान के बाद आपको भौतिक सुखों की प्राप्ति हो सकती है। चौथी खुशनसीब राशि है तुला राशि। इस सूर्य ग्रहण के बाद सातवें भाव पर चला आएगा। कहने का मतलब यह है कि आपके जीवन में आपको अनेक प्रकार की सफलताएं मिल सकती हैं। न केवल आपके मान सम्मान में वृद्धि होगी आपके समाज में, बल्कि आपके व्यापार के द्वारा आपको लाखों करोड़ों धन पाने के योग बन रहे हैं। जिस कर्ज स्कीम में आप लोग फंसते हुए चले आ रहे थे, उस कर्ज के बोझ से अब आपको मुक्ति मिल जाएगी और आपके जीवन में जो पिछले समय से आपके जीवन साथी के साथ अनबन चल रही थी, वो अनबन भी खत्म हो जाएगी और आपके घर में बहुत ज्यादा खुशहाली आएगी। इसी प्रकार से अगर आप मकर राशि, तो मकर राशि वालों के बारे में बताया जा रहा है, प्रॉपर्टी वाहन खरीदने के योग बन रहे हैं। अगर आप कोई भी नया व्यापार इस सूर्य ग्रहण के बाद शुरू करेंगे, उस व्यापार में आपको सफलता देखने को मिलेगी। आपके जीवन में आप बहुत बीमार चल रहे थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी और सूर्य देव जी के आशीर्वाद